तब मैंने फर्स्ट टाइम से कुछ काम किया और उसके लिए पैसे मिल रहे हैं, यू आर हार्ड अर्न मनी, सो इट इज़ फन कि मतलब हाँ, अगर तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है यहाँ पे पार्ट टाइम करने की तो करना चाहिए। Morning everyone and welcome back to my channel. So today's video is going to be about a productive day in my life. So कल मैंने अपनी टू डू लिस्ट बनाई थी, उसमें मुझे सुबह 6:30 बजे उठना था, बट मैं थोड़ा 7:10 तक उठी एंड अभी मैं 1 घंटा अपना ऐसे लिखूंगी, वो 4,000 वर्ड्स का है, तो मैं टारगेट कर रही हूँ मैं 2 डेज़ में कर लूँ। सो अभी मैं कुछ 500 वर्ड्स लिखूंगी और थोड़ा सा पढ़ूंगी उसके बारे में, फिर देखते हैं हम क्या करते हैं। तो मैं जिम से वापस आई और मैंने ना कुछ टाइम पहले एक ऐप है यहाँ पे डॉग सिटिंग का, तो मैंने वो साइन अप किया था और मेरे को ना बहुत दिन से कुछ आ नहीं रहा था रिप्लाई, तो मैं जैसे जिम से आई मेरे को तभी रिप्लाई आया कि मुझे एक डॉग को घुमाना है और मेरे को सही प्राइस भी मिल रहा था। सो मैं जिम के बाद बहुत थक गई थी, बट फिर भी मैंने सोचा कि चलो यार व्हाई नॉट, पार्ट टाइम भी करनी चाहिए एंड आई एम हियर। अब मैं इस डॉगी को घुमा रही हूँ, दिखाती हूँ। सो गाइज़, मैं भी डॉग वॉक करके आई हूँ और वो जो डॉग था वो बहुत फ्यूरियस था, ज़्यादा ट्रेंड भी नहीं था, तो मेरे लिए वो काफ़ी टफ था उसको हैंडल करना, क्योंकि मेरे को इतना भी एक्सपीरियंस नहीं है डॉग वॉकिंग का, बट विद टाइम आई नो आई विल गेट द हैंग ऑफ इट, बट इट वॉज़ वेरी टफ। वो कहीं पर भी भाग रहा था, वो भागा जा रहा था इधर उधर, बट मैंने जितना मैं कर सकी मैंने उतना किया, मैंने 1 घंटा उसको वॉक करवाया, बट इट्स गुड। फर्स्ट टाइम मतलब मैंने फर्स्ट टाइम से कुछ काम किया और उसके लिए पैसे मिल रहे हैं, यू आर हार्ड अर्न मनी, सो इट इज़ फन कि मतलब हाँ, अगर तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है यहाँ पे पार्ट टाइम करने की तो करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अपना पूरा एक्सपेंस निकाल सकते हो, बट अच्छा लगेगा कि आपने कुछ काम किया और उसके आपको पैसे मिल रहे हैं, तो मुझे वो फर्स्ट अर्निंग, आपकी फर्स्ट अर्निंग होती है लाइफ में, तो मेरे लिए कुछ वैसा ही था वो एक्सपीरियंस, सो इट वॉज़ फाइन, इट वॉज़ गुड एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं आगे भी करूँगी।
बट थोड़े छोटे डॉग्स, वो थोड़ा डॉग भी बड़ा था और वो बहुत एक्साइटेड डॉग था, बहुत ही हाइपर एक्टिव डॉग था। बहुत प्रोडक्टिव डे हो गया, मैं तो इतना ज़्यादा वॉक कर लिया, जितनी एक्सरसाइजेज हो गया, मुझे अभी पढ़ना है। मेरा मैंने प्लान नहीं किया था कि मेरे को डॉग वॉक करना है, एकदम से मेरे को उनका रिक्वेस्ट आया और मैंने एकदम से एक्सेप्ट कर लिया एंड अब मुझे पढ़ना पड़ेगा। मैंने अभी बहुत कम वर्ड्स लिखे हैं, सो आई विल गेट बैक ऑन स्टडिंग। तो मैं 2 घंटे से पढ़ रही थी और अब मुझे बहुत तेज भूख लग गई। मशरूम, चिली मशरूम विद राइस, हेल्दी है, काफ़ी हेल्दी था और मुझे बहुत भूख लग रही है। ट्राई करती हूँ। अमेजिंग भाई, इसकी रेसिपी नेक्स्ट टाइम दूंगी। कमेंट करना अगर आपको रेसिपी चाहिए तो। भाई बहुत टेस्टी है। चिली मशरूम हेल्दी है, कुछ मैदा भी नहीं डाला, कुछ भी नहीं, नॉर्मल सॉटे किया है। और एक यहाँ पे सॉस आती है, चाइनीज सॉस आती है, वो डाल के बनाया है। मशरूम्स डाले हैं, बेल पेपर डाला है, सारी हेल्दी चीज़ें डाली हैं और काफ़ी टेस्टी है। और बहुत भूख लग रही थी, सुबह से इतना काम कर लिया और खाया भी नहीं ढंग से। अमेजिंग। इंडिया में ना मैं नॉर्मली खाना खा लेती हूँ, यहाँ पे मन करता है कुछ पियो भी साथ में, ऑरेंज जूस हेल्दी। और ये फ्रेश ऑरेंज जूस है, कैंड नहीं है, वो शुगर जिसमें होती है, बट ये तो बहुत टेस्टी है। इसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए, ये बहुत टेस्टी है, अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट डाउन बिलो, तभी रेसिपी बताऊँगी। सो अब 9:30 हो गए हैं एंड मैं सुबह 7 बजे की उठी हुई हूँ और मैं पूरी ड्रेन आउट हो चुकी हूँ। तो अभी मैंने जो अपना टू डू लिस्ट बनाया था, मैं उसको देखती हूँ कि मैंने सब करा है या नहीं करा है। सो टू डू लिस्ट में मैं पर्सनली क्या करती हूँ कि मैं ऑलवेज मैं टाइम मेंशन करती हूँ कि अगर मैं 7 o'clock उठी हूँ तो 7 o'clock आई हैव टू वेक अप, 7:15 तक आई हैव टू गेट फ्रेश, 7:30 से लेके 8:30 या 9:30 तक आई हैव टू स्टडी। तो मैं ऐसे करके अपना टू डू लिस्ट बनाती हूँ जिससे मेरे को ट्रैक ऑफ टाइम रहे। अगर मैं बिना टाइम के लिखूँ कि हाँ मेरे को ये चीज़ें करनी है तो फिर वो बहुत हौच पौच हो जाता है और वो एक सिंक्रनाइज वे में नहीं रहता। तो फिर मैं अभी लिखूँगी कल, जैसे मेरे को कल मेरी 7 o'clock क्लास है योगा की, सो आई हैव टू वेक अप एट 6:30। मैंने नेक्स्ट डे की अपनी टू डू लिस्ट बना ली है एंड अब मैं जा रही हूँ सोने। 9:45 हो गया आई थिंक एंड 10 o'clock तक तो मुझे सो जाना है क्योंकि मेरे को अगले दिन 6 o'clock उठना है, मेरी क्लास है योगा की। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग। अगर आपको ये वाला व्लॉग अच्छा लगा, ऐसे प्रोडक्टिव डेज या फिर वट एवर अ डे इन माई लाइफ ऐसी वीडियोज़ चाहिए तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, फिर मैं वैसा ही कंटेंट बनाऊंगी। क्योंकि मैं भी ना थोड़ा कन्फ्यूज जाती हूँ कि मैं कैसा कंटेंट बनाऊँ, जैसा कंटेंट आपको अच्छा लगेगा मैं वैसा कंटेंट बनाऊंगी। सो कमेंट डाउन बिलो कि मैं नेक्स्ट व्लॉग किस पे बनाऊँ। सब्सक्राइब टू माई चैनल, थैंक यू, बाय, गुड नाइट।